today topic is more about keyboard hello students today we will discuss about keyboard okay that is a keyboard see the keyboard first okay that is a escape key that is a function f1 to f12 function keys that is a number keys two sets of number keys in a keyboard first of all here and second is here that is a alphabet keys q 2 m 26 alphabets okay that is a space bar key tab key caps lock shift control shift is to also shift enter is to enter key and enter key that is also a special keys okay that is a arrow keys up down left and right okay it is a keyboard today we will discuss about these keys okay let's start that is a keyboard okay डेट इज अ स्पेशल क्रैक्टर की फंक्शन कीज स्पेशल कीज नंबर कीज एरो कीज़ एंड एल्फाबैट कीज ओके फर्स्ट फर्स्ट नंबर कीज नंबर कीज आर आल्सो कॉल्ड नूमेरिक कीज़। देयर आर टोटल टेन नंबर कीज फ्रॉम जीरो टू नाइन ओके टू सेट्स ऑफ नंबर कीज ऑल द नंबर कीज हैव स्पेशल करेक्टर और सैम्बल प्रिंटेड ऑन डेम येल्लो लाइन ओके डेट इज स्पेशल करेक्टर कीज़ डेट इज़ यूज विद शिफ्ट की ओके अल्फाबैट कीज़ ट्वेंटी सिक्स अल्फ़ाबैट्स इन इंग्लिश सो देयर आर ट्वेंटी अल्फ़ाबैट कीज़ इन कंप्यूटर दिस कीज आर यूज टू राइट लेटर और पैराग्राफ इन द कंप्यूटर कम्प्यूटर में कोई भी लेटर या पैराग्राफ लिखने के लिए हम अल्फाबैट का यूज़ करते हैं फंक्शन कीज़ एफ वन टू एफ़ ट्वेल्व that is a function key used to perform a special task okay 12 function keys in a keyboard all function keys are used to perform a different functions on the computer example f1 is used for help okay these special keys are used to perform special and unique functions कैप्सलॉक की इज यूज टू टाइप लेटर इन अपर केस और इन कैपिटल मीन्स कैपिटल में जब हम कोई लेटर लिखते हैं कंप्यूटर में तो हमें कैप्सलॉक ऑन करनी पड़ती है ठीक है नमलॉक की वेन द नमलोक की इज टर्नड ऑन द नंबर प्रेजेंट ऑन द नुमेरिक पैड स्टार्ट वर्किंग ओके स्पेस बारकी द स्पेस बार की इज यूज टू मूव द कर्जर वन स्पेस फॉरवर्ड इट इज़ द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड मीन्स दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार का यूज करते हैं बैक स्पेस की इज यूज टू इरेज रोंगली टाइप्ड करैक्टर द की इज यूज टू डिलीट द करैक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्जर मीन्स जब हम किसी लाइन को पीछे से डिलीट करते हैं तो बैक स्पेस की यूज होती है डिलीट की इज यूज टू डिलीट अ रोंग करैक्टर ओके इरेज़ द करेक्टर ऑन विच द कर्जर इज़ प्लेस्ड मीन्स जहाँ पर कर्ज़र होगा ये वहीं से डिलीट करेगा एंटर की इज़ यूज टू मूव द करज़र टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन जब हमें नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो हम एंटर की को प्रेस करते हैं ओके इन शॉर्ट अल्फ़ाबेट कीज़ ट्वेंटी सिक्स होती हैं और कोई भी अल्फ़ाबेट या लेटर टाइप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ओके लॉक की कैपिटल लेटर जब हमें लिखना होता है तब यूज़ होती है डिलीट की राइट से कोई लेटर डिलीट करना है और जहां पर कर्जर होता है वहीं से डिलीट करती है बैक स्पेस लेफ्ट से कोई लेटर डिलीट करना है यानी कि पीछे से कोई लेटर डिलीट करना है तब यूज़ होती है एंटर की जब हमें नेक्स्ट लाइन में जाना होता है तो एंटर की यूज़ करते हैं स्पेस बार की दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए यूज होती है और ये सबसे लंबी की होती है स्पेशल करेक्टर को हम शिफ्ट के साथ दबा कर उस करेक्टर को लिख सकते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक थैंक यू